नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये जो मेरा वीडियो है जो आपके साथ में आज मैं शेयर कर रही हूँ, ये संडे का वीडियो है। आज मैं आपके साथ में अपने संडे का पूरा रूटीन शेयर करूँगी, मैंने क्या क्या काम संडे को किया है। कुछ हैक्स भी आपके साथ में ऐसे शेयर करूँगी जो आपकी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी कर देंगे, डेली के जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे। सो संडे का रूटीन जो ये मेरा स्टार्ट हुआ है, 7 बजे से स्टार्ट हुआ है। आज के इस रूटीन में मैं आपके साथ में 7 से 1 बजे तक का अपना रूटीन शेयर करूँगी, और संडे का दूसरा रूटीन मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, जो मेरा 2 बजे के बाद से रूटीन है और 8 बजे तक का, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं बाहर गई थी, कुछ मैंने शॉपिंग वगैरह जो भी की है, घर के लिए सामान खरीदे, वो उस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। सो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का जो वीडियो है वह स्टार्ट कर देते हैं। सो अभी आपने देखा, फ्रेशन अप होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर सबसे पहले काम मेरा यही होता है, जो दही रात में मैं जमाती हूँ उसको सबसे पहले उठा के फ्रिज में रखती हूँ। देन उसके बाद अगर मुझे लगता है कि मेरी बेटी अभी तक सोई हुई है या वो थोड़ा लेट उठेगी, तो जो कुछ छोटे मोटे काम होते हैं ना, सबसे पहले मैं उनको कंप्लीट कर लेती हूँ। सो कल जैसे कि लॉन्ड्री का डे था, सैटरडे यू ऑल नोज, तो मैंने यहाँ पर जो है सारे कपड़े यहाँ पे बेड पे डालकर रख दिए थे, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिला था। उस टाइम पीरियड में मैंने और बहुत सारे काम कल कंप्लीट किए थे, तो लेट तक ये सूखे थे, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर रख के छोड़ दिया था बेड पर। अब मैं सबको जो विदाउट प्रेस वाले कपड़े हैं, विदाउट आयरन वाले हैं, उनको सबको उठाकर तय बनाकर उनकी जगह पर ऑर्गेनाइज़ करूँगी। जितने भी आयरन वाले कपड़े होते हैं ना, उनको सबको मैं एक साइड कर देती हूँ, पीहू के अलग कर देती हूँ, अपने कपड़े अलग करती हूँ। देन उसके बाद मैं प्रेस का काम एकदम से नहीं कंप्लीट करती हूँ, वो डिपेंड करता है कि दिन के टाइम पीरियड में कौन सा ऐसा टाइम है जब मैं फ्री हूँ, तो उस टाइम को मैं यूज़ करती हूँ अपना आयरन करने के लिए। और जब हम जो होममेकर्स होती हैं, जो घर पर ही रहती है ना पूरा दिन, जिनको कहीं बाहर नहीं जाना होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि जो वर्किंग वूमेन होती हैं, उनका एक स्केड्यूल होता है, उनको पता होता है किस टाइम पीरियड में कितना काम करना है, क्योंकि उनका एक टाइमिंग फिक्स होता है, उनको घर से बाहर निकलना ही होता है। और जो हम जैसी होममेकर्स होती हैं जो घर पर ही रहती हैं पूरा दिन, उनके लिए कई बार कुछ लेडीज़ के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उनका पूरे घर का काम को मैनेज करना। रीज़न, क्योंकि उनका कोई रूटीन नहीं होता, और सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कोई स्केड्यूल नहीं है, तो इसीलिए जो टाइमली ना सारे काम कम्प्लीट भी नहीं हो पाते हैं। सो यहाँ पर आपके साथ में एक हैक शेयर कर देती हूँ। इस तरीके से कई बार हमारे कुशन की या पिलो कवर की ना जो जिप है वो ख़राब हो जाती है, इस तरीके से टूट जाती है, तो आप इसको देखिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये वाली जो पिन होती है हमारे पास, सभी के पास स्टेशनरी में होती ही है, इस तरीके से आपको लेना है और इसमें ऐसे फिक्स कर देना है, तो आपकी जो जिप है ना वो ईजिली आप उसको ओपन और क्लोज कर पाएंगे। सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि अक्सर उन लेडीज़ के साथ में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो घर पर ही रहती हैं पूरा दिन और घर का काम करती हैं। रीज़न मैंने बताया है कि स्केड्यूल नहीं होता है, तो इसीलिए अपना जो एक स्केड्यूल तैयार करें आप ज़रूर से। आप अपना एक टाइमिंग फिक्स करें उठने का, किस टाइम हमें उठना है, उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट करना है, जो भी काम आपको करना है, आपको कॉफ़ी पीनी है या थोड़ा देर जो है रीडिंग करनी है। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनसे 2-3 घंटे पहले उठने का आप ज़रूर से ट्राई करेंगे, तो उसमें ना आपको अपने लिए टाइम मिल जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आप बेडशीट को जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बेडशीट ले, देन उसके अंदर ही आप इस तरीके से पिलो कवर्स जो है ऑर्गेनाइज करके रखें, इससे इजीली आपको बेडशीट और उसके साथ के जो मैचिंग पिलो कवर्स होते हैं वो मिल जाते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, तो आप जब एक स्केड्यूल बनानेंगे ना, तो आपको पता रहेगा किस टाइम पीरियड में क्या काम करना है। और जब आप बच्चों से काफ़ी देर पहले उठ जाते हैं, 2-3 घंटे पहले, तो खुद के लिए भी जो है टाइम मिल पाता है। और जब हमें खुद के लिए टाइम मिलता है ना, तो पूरा दिन हमें अपने लिए फिर कोई टाइम मिले या ना मिले तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि मॉर्निंग में ही आप ट्राई करें खुद के लिए टाइम निकालना। उसमें आप कोई भी जो है अपनी हेल्दी ड्रिंक बनाकर पी सकते हैं, अपने लिए अच्छा सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाएं, कोई अच्छी सी जो है बुक आप पढ़ सकते हैं जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करे, और आप थोड़ा सा टहल सकते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपकी अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। तो मॉर्निंग का वो टाइम पीरियड ऐसा है जो आपका पर्सनली खुद का टाइम होगा, आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं रख रही हूँ चाय बनने के लिए। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ आपको ऐसे समझाती हूँ कि जैसे अगर आपका कोई स्केड्यूल नहीं है, कोई रूटीन नहीं है ना पूरे दिन का, तो आप सुबह उठेंगे, सपोज़ हम नाइट ड्रेस में हैं, कई बार पूरा दिन जो है उस नाइट ड्रेस में को पहने पहने ही निकल जाता है। और उसका रीज़न यही होता है क्योंकि हमें पता है हमें कहीं बाहर तो जाना नहीं है, घर पर, तो हम लोग थोड़ा सा ना अवॉइड करते रहते, सोचते चलो अभी ये काम कर लेती हूँ पहले, उसके बाद जो है बात ले लूँगी, या फिर मुझे अगर कपड़े भी चेंज करने हैं तो चलो ये काम अभी पहले कम्प्लीट करती हूँ, उसके बाद देन मैं चेंज करूँगी। और जब आपका एक प्रॉपर रूटीन होगा, आपका एक टाइम टेबल होगा जिसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, उस टाइम टेबल को आप फॉलो करेंगे ना,
तो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। आप ऐसा ही सोचिए कि आप भी जो है वर्किंग वूमेन हैं घर पर भी, क्योंकि हम लोग काम करते हैं। जब आपके माइंड में ये चीज़ सेट होगी ना कि हाँ वर्किंग वूमेन है, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वर्क जो है होम मेकर का ही होता है, क्योंकि सुबह उठ जाती है उसके बाद सोने के टाइम पीरियड तक वो काम में ही बिजी रहती है। तो इसलिए जो आपका मॉर्निंग का आप टाइम अपना स्केड्यूल स्टार्ट करें ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 बजे से 6 बजे से 7 बजे से जिस भी टाइम को आपको जो सूट करता है टाइमिंग, उस टाइम से आप अपना टाइम टेबल स्टार्ट करें। अपने लिए भी उसमें जो है सेट करें 1 घंटा 2 घंटा खुद की केयर के लिए, अपने लिए पर्सनली कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए, वो सब टाइमिंग उसमें सेट करें। देन घर को ऑर्गेनाइज करने का, घर की क्लीनिंग करने का टाइम सेट करें। अपना ब्रेकफास्ट का टाइमिंग ज़रूर से सेट करें, लंच आपको कब बनाना है, या फिर बाद में आपको टाइम मिलता है तो आप बैठकर आराम से सोच सकते हैं कि डिनर में आपको क्या बनाना है, या फिर इवनिंग का एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब आपके पास में टाइम होता है, उस टाइम पीरियड में आप अपने डिनर के लिए सोच भी सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। एंड जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बोला था, संडे के दिन मैं ज़्यादातर जो है अपनी वीक की प्लानिंग करती हूँ, या कोई भी काम ऐसा होता है ना रुका हुआ मुझे लगता है, तो मैं उसको डिसाइड कर लेती हूँ कि किस डे में मुझे उसको करना है। तो आप भी इस तरीके से करें, आपको ना आपके जो घर के काम करने हैं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों से। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर मैंने अभी आयरन कर दिया, और ये प्रोडक्ट मेरा अभी हाल फिलहाल ही मुझे रिसीव हुआ है, मीशो से मैंने ऑर्डर किया था। इससे पहले भी ये 2 बॉक्स मैंने जो है मंगाए थे, अभी दोबारा से 2 बॉक्स मैंने फिर से ऑर्डर किए हैं। ये ऑर्गेनाइज़र है, मल्टीपर्पज़ है, आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने इनको परचेज़ किया है अपनी बेटी की वार्डरोब के लिए। यहाँ पर जो है मैं अपनी बेटी की वार्डरोब को आज ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ऑर्गेनाइज़ क्या, पहले कर चुकी हूँ लेकिन थोड़ा सा रीसेट मुझे उसको करना है। तो आप देख सकते हैं क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। सो इसमें हम क्या ऑर्गेनाइज़ करेंगे, एक जो बॉक्स है इसमें मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी उसके ऐसे कपड़े जो वो जैसे मार्केट जाना होता है उसको, या डॉक्टर के पास जाना होता है, या नियर बाई किसी रिलेटिव के पास जाती, उस तरह के कपड़े में, और कंफर्ट को देखते हुए, और जैसे कि समर्स हैं तो समर्स से रिलेटेड कि क्या कपड़ा उसको थोड़ा सा सूट करेगा इस मौसम में, उसके अकॉर्डिंग जो है एक बॉक्स में मैं वो सारे कपड़े जो ऑर्गेनाइज करूँगी। तो इस बॉक्स में मैंने उसके सारी जो टी शर्ट है, नई टी शर्ट हैं या थोड़े टॉप हैं, मिडी हो गई या कोई फ्रॉक या कोई ट्राउज़र ऐसी है, या फिर आप उसका पूरा कोई जंप सूट है, उस तरह के कपड़े मैंने रखे हैं। सो दूसरा जो ये ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैंने उसकी स्कूल की जो यूनिफॉर्म है उनको मैंने रखा है, क्योंकि अभी स्कूल रीओपन होने में कुछ दिन बाकी हैं, और पहले मैंने इसको दूसरे बॉक्स में रखा हुआ था लेकिन अभी मैंने इस वाले बॉक्स में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। इससे जो यूनिफॉर्म है वो भी सेफ़ रहेगी, डेली उसमें जो हैंग होकर रहती है ना कबर्ड में, क्योंकि थोड़ी डस्ट कबर्ड में आ ही जाती है। सो आप देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और इजीली जो है इसकी कबर्ड में फिट भी हो जाते हैं, 2 बॉक्स एक सेल्फ में इजीली आ जाते हैं। तो सबसे नीचे मैंने रखा है जो उसका यूनिफॉर्म का है, पहले मैंने इस तरीके से रख दिया था। और एक जो ये बॉक्स आप देख रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज़र, ये मैंने खुद से बनाया था, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं, जो ये स्किन कलर का और रेड कलर का था, अभी आगे मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। सो यू कैन सी कि इस तरह के जो हैंगर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इसमें काफ़ी सारे जो ट्राउज़र वगैरह हैं बच्चों के, वो आप हैंग कर सकते हैं, अपने दुपट्टास भी हैंग कर सकते हैं। इस तरह का एक हैंगर मैं यूज़ करती हूँ, जितने भी उसके बॉटम वियर होते हैं ना नाइट ड्रेस वाले, वो सब उसमें हैंग करती हूँ। जो टी शर्ट है ऊपर की फुल स्लीव्स की, वो अलग से हैंगर में हैंग करती हूँ। तो अभी जो आप ये बास्केट देख रहे हैं, इस बास्केट में मैंने उसके वो कपड़े रखे थे जो उसके कपड़े थोड़े छोटे हो जाते हैं, तो वो मैं इस तरीके से अलग रखती रहती हूँ साथ के साथ, क्योंकि 1 बाय 1 हम ऐसा नहीं है जहाँ पर भी कहीं रखते हैं बेड में, या कहीं भी ऐसी जगह उसके छोटे कपड़े बच्चों के जो रखते हैं कि डेली बेसिस पे या हर 10वें या 15वें दिन हम वहाँ पर एक एक कपड़ा रखें। तो इसीलिए एक बास्केट मैं ऐसी रखती हूँ इसकी कबर्ड में कि जितने भी कपड़े छोटे होते रहते हैं ना वो मैं उसमें डालती जाती हूँ, बाद में सारे जब काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं कपड़े, उनको उठा के मैं जहाँ पर रखती हूँ ना छोटे कपड़े, वहाँ पर फिर उनको रख देती हूँ। और जितने भी उसके पार्टी वेयर कपड़े होते हैं वो ऊपर की साइड मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ, काफ़ी बड़ा है वो साइज़ में, उसमें वो सारे कपड़े रखती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक सूट सेट है इसका, इसको भी मैं उसी ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखती हूँ।
सो पहले मैंने नीचे की साइड यहाँ पे यूनिफॉर्म का और एक वो दूसरा जो मैं बोल रही थी डेली बेसिस पे कहीं पे जाना होता है बाहर तो वो वाले कपड़े रखती हूँ, तो मैंने इस तरीके से नीचे सेट कर दिए थे। बट फिर मेरे माइंड में आया कि अभी कुछ दिन बाद स्कूल रीओपन हो जाएंगे तो ड्रेस की तो नीड होगी, तो इसको साइड में शिफ्ट करते हैं और बैक साइड में मैं वो रखूँगी जिसमें जैसे कि इसके जो कपड़े छोटे हो जाते हैं ना, मैंने फिर डिसाइड किया कि इस बास्केट में नहीं रखती हूँ, एक बॉक्स मेरे पास और है एक ऑर्गेनाइज़र तो उसमें मैं शिफ्ट करूँगी, तो जो कपड़े छोटे हो जाते हैं वो वाले इस वाले ऑर्गेनाइज़र में मैं शिफ्ट कर रही हूँ अभी। सो ये जो छोटे कपड़े वाला ऑर्गेनाइज़र है इसको हम बैक साइड इसी में रखेंगे सबसे नीचे की साइड, क्योंकि डेली इसकी कोई नीड भी नहीं है। दूसरा जो ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने आपको बोला मैंने खुद से बनाया, अभी आप देख सकते हैं वीडियो में ये रेड कलर का, ये मैंने खुद से बनाया था। जो कार्डबोर्ड बॉक्स हमारे पास में होती हैं अमेज़ोन या मीशो से हम प्रोडक्ट मंगाते हैं जो बॉक्सेस आते हैं वो मैंने बनाया है और बहुत ईजी है इसको बनाना, इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। एक जो शॉपिंग बैग है वो मैंने लिया था, इसमें दो चीज़ों का यूज़ हुआ है, बाकी बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ती है, तो आप भी बना सकते हैं वीडियो में आप देख लीजिएगा। देन इसमें मैंने शिफ्ट किए हैं जितने भी उसके शॉर्ट्स होते हैं कॉटन के या फिर जो थोड़े से होजरी टाइप होते हैं वो वाले मैंने सारे शॉर्ट्स रखे हैं इसमें, और जो नाइट ड्रेस से अलग जो एक्स्ट्रा बॉटम वियर है जो पजामास हैं उसके वो भी मैंने इसी में रखे हुए हैं सब तय बना के, इसको भी मैं नीचे की साइड में शिफ्ट कर रही हूँ। सो इस ऑर्गेनाइज़र में मैंने उसके सारे जो बॉटम वियर हैं एक्स्ट्रा पजामाज वो और जितने भी उसके शॉर्ट्स हैं वो रखे हैं। इस साइड में जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें मैंने रखे हैं जो कपड़े उसके छोटे हो जाते हैं। इस साइड ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें मैंने उसकी यूनिफॉर्म को रख दिया, बैक साइड में ये अम्ब्रेला है और नीचे यहाँ पे मिडी फ्रॉक्स वगैरह हैंग किए हुए हैं, ऊपर की साइड जितने भी टी शर्ट हैं या फिर नाइट ड्रेस की टी शर्ट हैं वो सब हैंग हैं। ये साइड में हैंगर में आप देख सकते हैं जितने भी नाइट ड्रेस के बॉटम वियर हैं पजामाज वो मैंने हैंग किए हुए हैं उनके मैचिंग के। बैक ये ऊपर की साइड आ जाते हैं, ऊपर की साइड एक साइड में मैंने आपको बताया ये वाले जो विंटर कपड़े एक में रखे हुए हैं, दूसरे में मैंने रखे हुए पार्टी वियर सारे कपड़े। और इसकी कपड़ पहले ऐसी नहीं थी, वो स्टोन की बनी हुई थी, तो ये मैंने वॉलपेपर लगाया था और मीशो से मंगाया था। इस वाले सेल्फ में मैंने उसके बैकपैक रखे हैं दो तीन हैं जो छोटे छोटे वो लेके जाती है। ये साइड में जो ये बैग है ये हमेशा से इसका बैग है, जो मेडिसिन वगैरह होती है इसी में लेके जाती हूँ मैं। ये बैक साइड में छोटा सा टॉर्टोइज इसका मैंने रख दिया है। यहाँ पे इसके सारी स्पैगेटी हैं और ब्लूमर्स हैं यहाँ पर इस वाली बास्केट में, ईजिली मिल जाते हैं मुझे इसीलिए मैं इसको ओपनली यहाँ पर रखती हूँ। चलिए अब देख लेते हैं शू रैक। तो ये शू रैक है एक साइड वाला जिसमें मैं उसके न्यू शूज़ वगैरह सैंडल्स सब रखती हूँ, दूसरी साइड ये मैं रखती हूँ डेली बेसिस पे जो भी इसको पहनने होते हैं थोड़ा बहुत बाहर के लिए जाती हूँ उस तरह के जो स्लीपर्स हैं वो इस साइड में मैं रख देती हूँ। ये दोनों बेटी के ही शू रैक हैं उसकी कबर्ड में, एंड यू कैन सी जो मेरी बेटी की कबर्ड है वो अंदर की साइड से कैसी दिखती है, किस तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और मुझे लगता है महीने में एक दो बार मैं ज़रूर से इसको रीसेट करती रहती हूँ, चेंजेस करती रहती हूँ इसमें। वैसे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मेरी बेटी की कबर्ड का जो लुक है वो आपको कैसा लगा और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना ज़्यादा आपको पसंद आया है। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करें। एक ये लेफ़्ट साइड के जो डोर पर है इस तरह का एक हुक लगाया हुआ है मैंने, मल्टीपर्पज़ है, कुछ भी हैंग कर सकते हैं इसमें। और ये आप देख सकते हैं ड्रॉर, तो इसमें मैंने सॉक्स रखी हैं, दूसरे में सॉक्स रखी हैं जो स्कूल की हैं और जितने भी हैंकीज़ हैं जो स्कूल के लिए जाती है। ये आई कार्ड था, बैक साइड में बॉक्स है उसकी वॉच का, और ये जितने भी रबर बैंड हैं उसकी हेयर बैंड वो सब मैंने यहाँ पर रखे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी उसकी एसेसरीज़ है, बाकी तो एसेसरीज़ मैं उसकी अब जो ड्रेसिंग टेबल है उसी में रखती हूँ। बैक साइड में छोटे वाले इसके पर्स हैं और यहाँ पर मैं जितने भी एक्स्ट्रा टूथब्रश होते हैं उसके या कॉम होता है वो सब यहाँ पे उसकी एसेसरीज़ में रखती हूँ, आप देख ही पा रहे हैं। और मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो ये हो गया मेरी बेटी का जो कबर्ड है ऑर्गेनाइज, थोड़ा सा रीसेट किया है इसको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आज मुझे जाना है मार्केट, तो बस इसको करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, थोड़ी सी चाय पीऊँगी क्योंकि थोड़ा सा थकान फील हो रही थी मुझे। तो यहाँ पे मैं डायरी मैंने ले ली जिसमें मैं डेली बेसिस पे जब भी मुझे कोई सामान लगता है ख़त्म हो चुका है किचन का है या घर का कुछ भी आना है उसमें मैं नोट डाउन करती रहती हूँ और इसको मैं फ्रिज के टॉप पर ही हमेशा से रखती हूँ। सो यहाँ पर और भी जो काफ़ी चीज़ें मुझे लेके आनी है अपने घर के लिए वो यहाँ पर मैं लिस्ट बना रही थी उसकी। और जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना मार्केट शॉपिंग के लिए जाते हैं, ग्रोसरी का सामान लेके लेने के लिए जाते हैं, कुछ भी आपको काम ऐसा होता है ना मार्केट जाते हैं, तो लिस्ट बनाकर आप ज़रूर से लेके जाइए। इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाती है, एक तो एक्स्ट्रा सामान नहीं आता है, दूसरा ये
चाहिए। कोई सामान ऐसा नहीं होता है जो आप ना लेके आएँ या आप भूल जाएँ, इसीलिए मैं हमेशा से ही ऐसे करती हूँ, ज़्यादातर ना डायरी में अपनी नोट डाउन करती रहती हूँ, तो कभी मैं सामान ज़्यादातर भूलती ही नहीं हूँ। आप ये वाला हैक ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा वर्क करता है। सो यहाँ पर मेरी बेटी भी आ गई थी, वो मुझसे पूछ रही थी मम्मा आप क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, तो मैं उसको बता रही थी बेटा मैं कुछ ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ, मैं घर की चीज़ें लिख रही हूँ। तो वो भी उसे कुछ लगता है अपने लिए कुछ मंगाना होता है वो मुझे बता देती है। तो जैसे कि आज की वीडियो में मैंने आपके साथ में कुछ टिप्स एंड हैक्स जो है वो शेयर किए हैं, आई होप कि आपकी वो डेली लाइफ में हेल्प करें। और अगर कोई भी हैक आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या आपके माइंड में कुछ नया आइडिया है, कुछ आइडियाज़ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जो हो सकता है मेरी भी हेल्प कर दें। सो चलिए आज का जो मेरा वीडियो है हम यहीं पर इसका एंड करेंगे, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में बेल बटन आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।